पत्रिका में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी प्रजाति का उल्लू जो जबलपुर या मध्य प्रदेश में बहुत ही विरली प्रजाति का कहा जाता है। इसे हवेली का उल्लू कहते हैं। इसे वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे जी ने पकड़ा है। तो आइए अपन हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये कौन सा उल्लू और क्या विशेषता है इसकी। जी बताएं दुबे जी। यह वारना उल्लू के नाम से प्रसिद्ध है और हवेली उल्लू इसको कहा जाता है। यह अभी नर है और विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ चुका है। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत यह संरक्षित प्रजाति है। सेहतपुर निवासी जो किसान है एक हेमराज करके, हेमराज गुप्ता, उनके मकान में कहीं से ये प्रवेश कर गया था, तो संभवतः वहाँ कहीं तार आर में फंस गया होगा तो थोड़ा सा ये घायल हो गया। फिलहाल उड़ने की क्षमता है, स्वस्थ है और इसको अभी ले जा करके वेटनरी में चेकअप करवा दिया गया है और यह सुरक्षित है। अब इसे तिलवारा के जंगल में इसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये उल्लू की क्या विशेषताएं हैं? उल्लू की विशेषता ये है कि ये खेतों की रक्षा करता है। विशेष रूप से खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है, कीट पतंगे खाता है, सर्पों को पकड़ करके यहाँ तितर बितर कर देता है और प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। विशेष रूप से इसके चूहा जो है इसका विशेष आहार है और प्रकृति का विभिन्न अंग है। लोगों ने गलत भ्रमित जानकारियों के आधार पर इसका शिकार करना प्रारंभ कर लिया था, जिसको जो है वन विभाग के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। अतः एक प्राकृतिक प्राणी है, इसे स्वच्छंद विचरण के हेतु उन्मुक्त जगह मिले इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। तो सर्व विशेषज्ञ वन्य प्राणी विशेषज्ञ जबलपुर